नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्राउंड। आज मैं प्रखंड के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ कई सारे सदस्य आए हुए हैं जो वार्ड मेंबर के लिए हम अपना नामांकन दर्ज करवाने वाले हैं, और ये दसवें चरण के लिए नॉमिनेशन हो रही है और इसकी जो है वोटिंग 10 दिसंबर को होनी हुई है। मेरे साथ एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, वो किस वजह से आए हैं नॉमिनेशन करने। आपका नाम क्या है? राम। आप इस पोस्ट के लिए किस पद के लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं? वार्ड सदस्य। अच्छा, आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड जो है गाँव पचुआ। चलिए, खैर इससे पहले आपने मुझे ये बताया कभी इससे पहले नॉमिनेशन या जब से लड़े ये फर्स्ट टाइम आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको फिर से इस बार आना चाहिए? इससे पहले भी आपके गाँव में कोई वार्ड मेंबर रहा होगा, आपको क्यों ऐसा लगा? आपको ऐसा लगा है कि जिस तरीके का विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है खासतौर से जो ये हुआ है नक्षत्र योजना जो है, इसमें सारे वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी, आपके यहाँ कितनी ईमानदारी से जिम्मेदारी से काम हुआ? क्या लोगों के घर तक वो पानी को पहुँचना चाहिए पहुँच रहा है? पानी तो दिए हैं लेकिन सही काम नहीं हुआ है। पानी कभी कहीं पर जाता है, कहीं पर नहीं जाता है, कहीं घर पर है, कहीं कुछ नहीं है, सही नहीं। मतलब किस हिसाब से नल जल के अलावा पानी काम नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि नहीं हुआ इसकी वजह से? नहीं हुआ। तो अगर आप जीतते हैं तो आप इतना क्या करेंगे ये बताइए अपने वार्ड के लिए? जीतेंगे तो बहुत सारे काम है,